Good evening friends and welcome to Study for Exam. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. So economy का second part आ चुका है, MCQ discuss करना है और पिछला video I hope आपने जरूर देख लिया होगा. बस retain रहना है, वही सारी बातें, discussion पे ध्यान देना है, question कैसे बन सकता है ये सीखना है और बहुत सारी चीजें. आपको मैं बता दूं कि हमारी grammar series complete हो चुकी है. जिसको भी अपनी English अच्छी करनी है वो playlist visit कर ले, आपको सारे videos वहां मिल जाएंगे. उसके अलावा आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी. इसके लिए आप हमारा चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं विच आर डेडिकेटेड टू ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम. ओके, और गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो भी आपकी इंक्वायरी है. तो क्वेश्चन नंबर 40, कल हमारे 39 क्वेश्चन हुए थे इन 40 मिनट्स. चलिए आगे आते हैं, आज देखते हैं. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप सम सिक्योरिटी अगेन नोट्स. These securities are always less in comparison to. तो भारतीय रिजर्व बैंक नोटों के खिलाफ कुछ प्रतिभूतियां रखती है, इन प्रतिभूतियों की तुलना में हमेशा कम होती है. क्या? गोल्ड एंड फॉरेन बॉन्ड्स, गोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर गोल्ड फॉरेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो इसका सही जवाब है आपका सोना, विदेशी बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड चौथा. ठीक है, ये याद रखिएगा. अच्छा, इसको एक और टर्म है जिसके थ्रू बोला जाता है, शायद आपने सुना हो, SLR. SLR सुना है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो सुना होगा. अब ये क्या होता है, आपको पता ही है कि स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो रिफर टू द अमाउंट दैट द कमर्शियल बैंक रिक्वायर टू मेंटेन इन फॉर्म गोल्ड एंड गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर. ठीक है, ये पता होगा ना कि कमर्शियल बैंक को रिक्वायर होता है मेंटेन करना कितना, गोल्ड और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट अप्रूव जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको मेंटेन करना. ठीक है, और ये जो लिक्विडिटी रेशियो है इट इज डिटरमाइंड बाय मेंटेन्ड डिटरमाइंड एंड मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट. तो बैंक की जो उधारी होती है उसके एक्सपेंशन को मेंटेन करने के लिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे नजर भी रखती है. खैर, ये छोटी मोटी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए हम लोगों को कि ये टर्म आई भी तो किस वजह से आई. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये, मर्चेंट बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंस टू. तो मर्चेंट बैंकिंग एक संस्था है जो निम्नलिखित में से वित्त प्रदान करती है, डोमेस्टिक होलसेल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज, डोमेस्टिक रिटेल ट्रेड, इंटरनेशनल एड एजेंसीज. तो घरेलू होलसेल विक्री व्यापार पर, या फिर देश के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या फिर डोमेस्टिक रिटेल ट्रेड, ठीक है, घरेलू खुदरा व्यापार के बीच में, या फिर अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों को. तो बताइए क्या होगा. तो इसका सही जवाब है आपका दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज. ठीक है, तो मर्चेंट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड कैपिटल टू कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ शेयर ओनरशिप इंस्टीड ऑफ लोन. ठीक है ना, तो मतलब इसमें क्या होता है कि ये लोग लोन तो देते हैं लेकिन ये लोन रिटर्न पे नहीं देते, ये लोग लोन देते हैं अपने शेयर पे, मतलब इनका कुछ शेयर होगा. ठीक है, शेयर होगा उस बेसिस पे लोग लोन देते हैं, समझ गए, जो भी कैपिटल दे रहे हैं. ऑफकोर्स अगर लोन दे रहे हैं तो कैपिटल में दे रहे होंगे, तो जो इनकी कैपिटल होती है उसके बदले में ये लोग पैसे नहीं लेते, शेयर रखते हैं. तो ऑफकोर्स फिर वही प्रॉफिट लॉस वाला खेल आ जाता है, दिस इज कॉल्ड मर्चेंट बैंकिंग. आगे आते हैं, द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग द मनी इन द मार्केट इज नोन एज. तो बाजार में धन जारी करने और निगरानी करने की प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, प्रोपोर्शनल रिजर्व रेशियो, अनुपातिक आरक्षित अनुपात, फिक्स्ड रिजर्व रेशियो, निश्चित आरक्षित अनुपात, मिनिमम रिजर्व रेशियो, न्यूनतम आरक्षित अनुपात, या फ्लोटिंग रिजर्व रेशियो. तो इसका सही जवाब है जय सर तीसरा, न्यूनतम आरक्षित अनुपात. ठीक है, इसे कैश रिजर्व रेशियो भी बोला जाता है. ठीक है, द रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द रिजर्व रिक्वायरमेंट इज अ बैंक सेंट्रल बैंक रेगुलेशन दैट सेट द मिनिमम रिजर्व ईच कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड. ठीक है ना, तो बैंक को मिनिमम रिजर्व रखना चाहिए, रिजर्व रेशियो हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि उनको कभी प्रॉब्लम वगैरह ना हो. ठीक है, अब ये डिपॉजिट नोट्स वगैरह होते हैं. आगे आते हैं, 43 को डिस्कस कर लेते हैं. और ये रहा 43, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य
भारतीय राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अपना व्यवसाय नहीं करता है। बहुत ही आसान है, आंख बंद करके इसका जवाब दे सकते हो। सिक्किम है, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो सही जवाब है इसका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, समटाइम्स आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे सारी स्टेट्स ये काम करते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो ट्रेड होता है स्टेट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच, ये रिजर्व बैंक के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आंसर आप मुझे दीजिए जब तक हम 44 में आते हैं। Which among the following subject is not an aim of the monetary policy of Reserve Bank of India? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक उद्देश्य का नहीं है, नीति का उद्देश्य नहीं है? गिविंग इम्पीटस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को गति देना, डायरेक्ट क्रेडिट विद ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तो वस्तुनिष्ठ मापदंडों के साथ प्रत्यक्ष ऋण, टू कंट्रोल प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, टू इंश्योर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो इसका सही जवाब है सामाजिक न्याय। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम बेसिकली एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी काम करना होता है। ये पूरे रेगुलेशन वगैरह रखते हैं क्रेडिट वगैरह को देख करके, और बैंक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और इनका काम लिक्विडिटी स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के भी होता है। ठीक है, और ये एडिक्वेट फ्लो जो होता है क्रेडिट का, और उनको भी ध्यान में रखा जाता है कि कितना पैसा होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें होती हैं। वैसे बहुत ही इजी था, बट कुछ बातें थी जो याद रखना चाहिए, बाकी के तीन ऑप्शन उसी के हैं। चलिए आगे आते हैं 45 पे, और 45 पे देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्टी ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक दैट दे शुड गिव सम कैश अमाउंट व्हाइल परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, व्हाट वुड यू कॉल दिस? तो भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों की ओर से यह अनिवार्य कर दिया है कि वे सरकारी बॉन्ड खरीदते समय कुछ नगद राशि दें। आप इसे क्या कहेंगे बताइए? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम रिजर्व रेशियो या फ्लोटिंग रिजर्व रेशियो? तो सही जवाब है इसका स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हिंदी में बोला जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा भी रहा था, क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से आपके सामने आ गया, और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एक तरह का अमाउंट होता है, और बेसिकली गोल्ड वगैरह के और या गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज होती हैं, उसके टर्म पे ये रखा जाता है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट टर्म SLR होती है। तो भाई अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही रहे बताइए? 45 मतलब 6 क्वेश्चन आज हमने अभी तक देख लिए, तो आपके कितने क्वेश्चन यहाँ तक सही रहे? जितने भी हुए भाई बताओ, और जुड़े रहा करो, डिस्कशन पे थोड़ा ध्यान दिया करो। 46 में आ जाते हैं। द रिसीप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ड्यूटीज आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स? तो निम्नलिखित में से किस कर शुल्क की रसीदें राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती हैं? टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, कृषि को छोड़कर आय पर क्रय, कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स आयकर पर अधिभार, और कैपिटल गेन टैक्स। तो देखिए ये होगा टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो द रिसीप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ड्यूटीज आर नॉट शेयर विद द स्टेट, तो वो सर ये है। ठीक है, याद रखिएगा, हो गई बात। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, जो शेयरेबल सेंट्रल टैक्स होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? जो शेयरेबल सेंट्रल टैक्स होता है, जो सेंट्रल टैक्स लेता है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है? सर जी, ये इंक्लूड करता है आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें आती हैं। स्टेट में आपका सेल्स टैक्स आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तो फिलहाल GST वगैरह चलने लगा है, तो GST के अंदर चीजें आती हैं। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे आते हैं 47 पे। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय, गवर्नमेंट एनुअल रिवेन्यू, टोटल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव इनकम, सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और एक्सपोर्ट एम्पोर्ट। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय है सरकारी वार्षिक राजस्व, कुल उत्पादक आय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या फिर निर्यात आयात। तो सही जवाब है इसका टोटल प्रोडक्टिव इनकम। ठीक है, याद रखिएगा क्या है टोटल प्रोडक्टिव इनकम। ठीक है, बेसिकली नेशनल इनकम एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, और जो प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लाइक नेशनल इनकम इज अ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी,
प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड एंड सर्विस कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी वैल्यू विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है ना। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक इकोनॉमिक टेरिटरी होती है कंट्री की, उसके अंतर्गत जो की गई है, ठीक है, वो आता है आपका इसके अंतर्गत, ठीक है। और दूसरी ये फैक्टर पे आती है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सर ये फैक्टर कॉस्ट पे आता है ना, अब ये आपको जरूर पता होगा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। छोटी छोटी टर्म्स हैं, रिकॉल हो जाती हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 48, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन असेट वर्थ नॉट लेस देन। तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत भारतीय रिजर्व बैंक नोट के मुद्दे के एकमात्र प्राधिकारी के रूप में कम से कम संपत्ति रखने के लिए आवश्यक है कितना, 115 करोड़ रुपए, 85 करोड़, 200 करोड़ या फिर 210 करोड़ रुपए। तो ये याद रखिएगा, ये कितना है, 200 करोड़, ठीक है। तीसरा है इसका 200 करोड़ है। चलिए आगे आते हैं, और इस 200 करोड़ में भी एक चीज है, आपको शायद पता हो, पता है 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है और जो 85 करोड़ होते हैं वो आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सिस्टम आज भी फॉलो है। 49 में आते हैं, और ये हमारा 10वां क्वेश्चन है आज का, और देखते हैं 10 में से आपके कितने सही निकले। विच अमंग द फॉलोइंग टैक्स कलेक्टेड बाई यूनियन इज नॉट मैंडेट टू बी असाइंड टू द स्टेट्स। तो टर्मिनल टैक्स ऑन गुड्स और पैसेंजर कैरिड बाई रेलवे, सी और एयर। तो माल पर टर्मिनल कर या यात्रियों को रेलवे, समुद्र या हवाई मार्ग से ले जाया जाता है, तो ये जो कर होता है टर्मिनल टैक्स हो गया, ऑन गुड्स जो कि गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, या फिर पैसेंजर होते हैं जो ले जाया जाते हैं रेलवे, समुद्र या फिर एयर से। टैक्स ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्रेट, तो रेलवे का किराया माल ढुलाई पर कर। टैक्स ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, तो माल की खेप पर कर, या फिर सर्विस टैक्स, तो सेवा कर। इसका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब इसका होगा सेवा कर, सर्विस टैक्स, ठीक है, क्या होगा, सर्विस टैक्स। तो सर हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, आप में कितने सही किए, आपके कितने सवाल अभी तक सही रहे, हम 50वें में आ चुके हैं अब। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया वॉज टू इंश्योर, तो भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था, क्रिएशन ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सृजन, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडियन इंडस्ट्री, तो भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी का उपयोग, और बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रॉस रीजन, तो क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन, तो क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास। ओके, तो ये याद रखिएगा, बात समझ में आ गई। तो जो भी चीज इसमें पूछी गई, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती है पॉलिसी, वो लेके क्या इंश्योर करना होता है, उसका मेनली क्या मोटिव होता है, क्या इंश्योर करना होता है, तो होता है क्षेत्रों में संतुलन औद्योगिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 51। करेंसी नोट ऑफ रूपी 2 डिनोमिनेशन एंड अबव आर लाइबिलिटी ऑफ, तो रुपए 2 का मुद्रा नोट मूल्य वर्ग और की देनदारियां हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सही जवाब इसका क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है आपका, और वो क्वेश्चन ये बन जाता है कि रुपी 1, 2 और 5 के नोट कौन इशू करता है, क्वेश्चन है रुपी 1, 2 और 5 के नोट या क्वाइन कौन पब्लिश करता है। तो सर जी जो क्वाइन है ये पब्लिक करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम 52 में आते हैं, ये रहा द टाइप ऑफ नोट इश्यू सिस्टम फॉलोड इन इंडिया इज, तो भारत में नोट इश्यू प्रणाली का प्रकार निम्नलिखित है, मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम, तो अधिकतम फिड्यूशरी प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, प्रोपोर्शनल फिड्यूशरी सिस्टम, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, या फिर फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम। तो ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड प्रत्यय सिस्टम या प्रत्यय प्रणाली, तो इसका सही जवाब क्या होगा 52 का, तो इसका सही जवाब होगा आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है।
चलिए हम 53 में आते हैं और ये रहा 53। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, मुद्रास्फीति के कारण होता है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड, तो माल की आपूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, सरकार के पास नकदी में वृद्धि, डिक्रीज इन मनी, धन की आपूर्ति में कमी, और इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो इसका सही जवाब है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, और इन्फ्लेशन के बारे में आप हमेशा एक्टिव रहिए, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके टाइप्स भी काफी होते हैं, जैसे स्टैगफ्लेशन वगैरह हो गया, तो इन्फ्लेशन रिलेटेड चीजों के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। चलिए आगे आते हैं, 54 पे आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अ फर्म सेल्स न्यू शेयर वर्थ रूपी 1000 डायरेक्टली टू इंडिविजुअल, दिस ट्रांजेक्शन विल कॉज, एक फर्म 1000 रुपए के शेयर इंडिविजुअली बेचता है, इस तरह का ट्रांजेक्शन क्या होगा या क्या कारण देगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टू राइज बाय 1000, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू राइज बाय 1000, नेशनल इनकम टू राइज बाय 1000 रुपी, और नो इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1000 की वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद रुपए में 1000 रुपए की वृद्धि, राष्ट्रीय आय रुपए 1000 से वृद्धि करने के लिए, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं, तो इसका सही जवाब होगा चौथा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली जीएनपी की बात हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और जीएनपी क्या होता है, जीएनपी इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन वन ईयर बाय लेबर एंड प्रॉपर्टी सप्लाइड बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ये होता है आपका जीएनपी। ठीक है, चलिए हम 55 में आते हैं और 55 को देखते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड अपर लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सर्विस कंपनीज, तो दूर संचार सेवा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा क्या है, 49%, 51%, 66% एंड 74%, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब है इसका 74%, 200%। ठीक है, तो लगभग 74% से 100% तक का एफडीआई को मान्यता देती है, और ये इकोनॉमिक्स टाइम के 2018 अगस्त 2018 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली मुझे अभी फिलहाल नहीं दिखा, इसके पहले ये 49% हुआ करता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और रहा ये 56। Which from the following is not true when the interest rate in the economy goes up? तो अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सेविंग इंक्रीज, लेंडिंग डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज, तो बचत बढ़ती है, उधार घटता है, या उधार घटाना, और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, और पूंजी वृद्धि पर वापसी होती है, तो इसका सही जवाब है आपका ये पूंजी वृद्धि पर वापसी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट आर द मेन डिटरमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्केल, एंड ये चीज इस पे सही रहेगी, सही जवाब होगा इसका। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज इसके हिसाब से गलत होगा। ठीक है, मतलब जो बोल रहे हैं ना, किस हिसाब से सही नहीं है, तो वो ये वाला होगा, बाकी सारी चीजें वैसे रहती हैं। चलिए हम आगे आते हैं, और 57 में कितने क्वेश्चन सही निकले आपके अभी तक बताइए। आगे देख लेते हैं, ओपन मार्केट रिप्रेजेंट ऑपरेशन रिफर टू, तो बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार लेकर कहां से, आरबीआई से, लेंडिंग बाय शेड्यूल बैंक टू नॉन शेड्यूल बैंक, तो अनुसूचित बैंकों द्वारा गैर अनुसूचित बैंकों को ऋण देना, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, तो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, और परचेज एंड सेल ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार द्वारा बॉन्ड और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, तो इसका सही जवाब है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। ठीक है, और बाकी मैं ओएमओ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, ओपन मार्केट क्या होता है, यहाँ मर्चेंट मार्केट की बात नहीं हो रही है। आगे आते हैं 58 में, ये रहा, Which is the first public sector corporation of independent India? तो स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है, हिंदुस्तान स्टील कॉरपोरेशन भिलाई, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं और दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या होगा? कुछ लोग इसको एफसीआई कर सकते हैं जबकि ये नहीं है। इसका सही जवाब है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, ये एक हाइड्रो पावर जनरेटिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? हाइड्रो पावर जनरेटिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, अब एक चीज आती है कि ये कब किया गया था, तो मैं चाहूंगा कि आप ढूंढिए ये कब किया गया था। बताइए, कोई आइडिया है कब किया गया था? किया काफी पहले गया है, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ इंडिपेंडेंस के आसपास की बात है। आपको हिंट दे रहा हूँ, जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय की बात है ये। बता देता हूँ, इसका सही जवाब है 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में आया था। चलिए आगे आते हैं 59 में, और ये रहा 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन आ, तो निम्नलिखित में से किसे बुनियादी ढांचा निवेश नहीं माना जाता है? इन्वेस्टमेंट इन आ, इसमें निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट इन अ पावर प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो देखिए, पावर, रेलवे और टेलीकम्युनिकेशन ये गवर्नमेंट ही देखती है, और बात आती है अगर ऑटोमोबाइल की तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट एंटिटीज के ऊपर बात आ जाती है। ठीक है, तो इस पे एक नहीं माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। ऑफ कोर्स इसके लिए बेटर रोड्स वगैरह की बात आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तुम ये कह सकते हो कि लो सर, सरकार की बस चलती है, ये चलती है। हाँ चलती है, लेकिन वो लोग खरीदते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से डेवलप किया जाता है कि बीएमडब्ल्यू बनानी शुरू कर दी, मर्सिडीज बनानी शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग होता है। हम 60 पे आ चुके हैं, हमारे लगभग 21वां क्वेश्चन है ये, और देखते हैं अभी किसका रहेगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रूपी। तो निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, उच्चतम मूल्य किसका है रुपए के संदर्भ में? पाउंड, डॉलर, यूरो और सऊदी रियाल। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका पाउंड। ठीक है, हमेशा ये 83 से 87, 88 के आसपास घूमता रहता है, फिक्स कोई भी नहीं बता सकता और ना ही पूछा जाता है। कभी भी डॉलर आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि 63 चल रहा है कि 60 चल रहा है, 56 चल रहा है, कभी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? पता चला एग्जामिनर ने जब पूछा था तब 50 चल रहा था, जब तुम्हारा पेपर हुआ तब 60 हो गया, तुम पेपर दे के आए तो 69 हो गया, तो पता चला कि ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होता, इसलिए इन चीजों की रेट पूछे नहीं जाते कभी भी। आगे आते हैं 61 पे, बात कर लेते हैं। What is known as the open market operation of RBI? ये मैं आपसे भी पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा। और क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है, तो हमें ऑफ कोर्स थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक, शेयरों की खरीद और बिक्री, क्या ये इसका काम है? नहीं, ये तो स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। ओके, बीएसई देखता है ये। ऑक्शनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो विदेशी मुद्रा की नीलामी, क्या ये है? नहीं। आगे देखते हैं, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, यस, प्रतिभूतियों में व्यापार होता है। ट्रांजेक्शन इन गोल्ड, नहीं, ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओएमओ आर द मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू फॉर्म द मार्केट, ओके, टू और फ्रॉम द मार्केट एंड ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रुपी लिक्विडिटी कंडीशन। तो जो रुपए की हमारी लिक्विडिटी कंडीशन होती है उसको मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, व्यापारिक प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, जो अप्रूव होती है, यानी कि कोई भी खरीद लेंगे, जो अप्रूव होती है उनको खरीदा जाता है। आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन भारत में 90% लोगों को मनी का फ्लो नहीं पता होता किस तरीके से होता है। अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि लोगों ने कह दिया कि अरे रुपया छाप डाल लो, सस्ता कर दो, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, इसलिए थोड़ा पता पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स को सही से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या केंद्र सरकार। तो इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, क्रेडिट कंट्रोल का काम जो करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है सर, वो गवर्नमेंट नहीं करती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा एडवाइस कर दे, क्योंकि सरकारों की आदत होती है टांग अड़ाने की, लेकिन ये पूरा काम हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखा करता है, और यही एडवाइस करते हैं हर चीज पे, बैंक वगैरह में भी। जैसे कि केवाईसी पे बहुत कुछ चलता है, अगर मान लो कि अगर कोई कस्टमर, मैं कुछ अलग बातें बता रहा हूँ, अगर कोई
बैंक है और वो अपने कस्टमर की केवाईसी सही से नहीं करता, यू नो केवाईसी, नो योर कस्टमर, तो रिजर्व बैंक को अधिकार होता है कि उस पे वो पेनल्टी लगा दे, और पेनल्टी लगाने के साथ साथ वो उसे वो पब्लिक भी कर सकता है, तो कई बार पब्लिक कर दिया जाता है। आईसीआईसीआई के साथ ऐसा हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी ये चीज हुआ है, बड़ौदा के साथ भी ये हुआ है, केवाईसी के टर्म पे अमाउंट कई बार बहुत ज्यादा होता है, कई बार नॉमिनल होता है, लेकिन अगर पब्लिक कर दो तो कहीं ना कहीं जो हमारी बाजार की साख होती है उस पर जरूर फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए 63 में आते हैं और 63 को देख लेते हैं। ये रहा, When did the rupee become a freely convertible currency on current account in India? तो भारत में चालू खाते पर रुपया एक स्वतंत्र रूप में परिवर्तित मुद्रा कब बना? बताइए 2000, 2001, 1994, 1999। तो इसका सही जवाब है आपका 1994। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हम आगे आते हैं, स्टैटिक जीके आगे आते हैं। ये जो डिस्कशन वाली चीजें होती है मैं लगातार आपसे डिस्कशन करता रहता हूँ। 64 में आ चुके हैं, अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, तो अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है? लिबरेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, तो बंधुओं श्रम से मुक्ति, और ब्रिंगिंग अप कल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में सांस्कृतिक क्रांति को लाना, डिमांड ऑफ टेक्सटाइल लेबर, और या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो इसका सही जवाब है चौथा, गरीब से भी गरीब व्यक्ति का उत्थान। तो ये याद रखिएगा अंत्योदय योजना, ठीक है, इसको अंत्योदय अन्ना योजना भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है AAY, ठीक है, AAY से भी बोला जाता है। ये लॉन्च कब की गई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सर जी ये लॉन्च करी गई थी 2000 में। देखिए वैसे तो जो स्कीम वगैरह आती हैं वो करेंट की पूछी जाती हैं, बट ये एक ऐसा पार्ट होता है कि कभी कभी पुरानी पूछ लेता है, ऐसे 30-40 साल पुराने वाली, जैसे मान लो सर शिक्षा अभियान कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती थी अंत्योदय योजना, तो अंत्योदय योजना में क्या क्या मिलता था, तो इसमें क्या मिलता था, 35 किलो चावल मिलता था, और आपको गेहूं मिलता था, 2 रुपए किलो, चावल मिलता था 3 रुपए किलो। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसी स्कीम्स आज भी चलती हैं और ये जरूरी भी होती हैं अगर सामाजिक नजरिए से हम देखें तो। आगे आते हैं, द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू डिवैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसी इन ऑर्डर टू प्रमोट, तो सरकार बढ़ावा देने के लिए अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का समर्थन करती है, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल गुडविल, एक्सपोर्ट सेविंग, राष्ट्रीय आय, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, निर्यात, या फिर बचत। तो सही जवाब इसका क्या होगा, इसका सही जवाब होगा एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या होगा, एक्सपोर्ट। आगे आते हैं, बेसिकली अच्छा ऐसे की फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा की इफेक्ट क्या होगा, की इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन क्या होता है, ये डोमेस्टिक करेंसी को ना चीपर बना देता है रिलेटिव टू अदर करेंसी, मतलब सस्ती कर देता है। आगे आते हैं 66 में, और 66 को देख लेते हैं क्या है, कितने क्वेश्चन सही हुए अभी तक आप लोगों के, कोई आइडिया लिख दिया करो। द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर मैनुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द, तो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण के साथ नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखो कभी भी इस तरह की बात रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में बात आ जाए स्टॉक मार्केट की या फिर फंड वगैरह की, तो इस पे नजर आपका सेबी रखता है। कई बार लोग इसको स्टॉक एक्सचेंज पे सही कर सकते हैं, बट ये नहीं है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसे हम सेबी कहते हैं। ठीक है, यही सब नजर वजर रखती है, सेबी वगैरह, फिर उसके बाद अगर ईडी वगैरह हो गए, अच्छी पोस्ट होती हैं वैसे, इनकी भी वैकेंसीज निकलती हैं, अप्लाई करना कभी मिले मौका। आगे आते हैं 67 पे और इसको डिस्कस करते हैं, 67 कहाँ है ये, द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विच इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनसीएमपी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट, तो रोजगार गारंटी योजना जो अब एनसीएमपी का एक महत्वपूर्ण घटक है, पहली बार किस राज्य में शुरुआत करी गई थी, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको ईजीएस नाम से भी जाना जाता है, ईजीएस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये कब किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे बोलते हैं, तो सबसे पहले सर ये शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, और अब बात आ जाती है कि महाराष्ट्र में भी कब स्टार्ट करी गई थी, तो सर जी महाराष्ट्र में स्टार्ट करी गई थी आपकी 1979 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 रहा ये।
आइडेंटिफाई द नवरत्न कंपनी इन द फॉलोइंग. तो निम्नलिखित में से नवरत्न कंपनी को पहचाने. आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, एचपीसीएल और एयर इंडिया. बहुत ही आसान है, इसका सही जवाब है एचपीसीएल लिमिटेड. बाकी तो सारी की सारी प्राइवेट एंटिटी है. ठीक है, ऑफ कोर्स एयर इंडिया प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट इसकी देखभाल करती है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसे पीपीएसयू भी बोला जाता है. ठीक है, ये याद रखिएगा. और इसको 1997 में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिल गया था, ये याद रखिएगा. ठीक है, अच्छा, काफी सारी हमारी पीएसयूज हैं, लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. इस तरीके से काफी सारी कंपनीज हैं, इनको हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं सारे के सारे एग्जाम्स में. 69 में आते हैं और ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स पुराना है, बट फिर भी कुछ चीजें पता होनी ही चाहिए हमें. 69 पे देख लेते हैं, विच कार हैज बीन द बेस्ट सेलर इन 2005. तो मारुति 800, मारुति सुजुकी ऑल्टो, टाटा इंडिको और सेंट्रो जिंग. तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आप जाने ना जाने, नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, वैसे इसका सही जवाब मारुति सुजुकी ऑल्टो है, लेकिन ये 2005 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इसको अभी के हिसाब से बता देता हूँ. 2018 की अगर बात करी जाए तो 2018 में जो बेस्ट सेलिंग कार रही वो रही मारुति सुजुकी वैगन आर. इसकी 152,020 यूनिट बिकी है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. वैसे इसका सही जवाब मारुति सुजुकी ऑल्टो 2004-5 के हिसाब से, बट ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. 2018 के हिसाब से अगर बात करी जाए तो वो आपका क्या रहेगा बताइए, वो रहेगा आपका मारुति सुजुकी वैगन आर. इसी तरह से अगर बाइक के पर्सपेक्टिव पे बात कर ली जाए, बेस्ट सेलिंग क्या रही, मैं ब्रांड के हिसाब से अगर बात करूं कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा रहा, तो सर वो रॉयल इनफील्ड रही, जो बुलेट बेचती है वो रॉयल इनफील्ड रही. ठीक है, ये याद रखिएगा. तो हम आगे आते हैं 70 नंबर पे, 70 देख लेते हैं, ये रहा 70. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनटीपीसी हैज डाइवर्सिफाइड टू हाइड्रो पावर सेक्टर, एंड सेकंड ऑप्शन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है डाइवर्सिफाइड इनटू टेलीकॉम सेक्टर. तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, एनटीपीसी ने जल विद्युत क्षेत्र में विविधता लाई है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने दूर संचार क्षेत्रों में विविधता लाई है. इसका सही जवाब क्या होगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज बिलो करेक्ट. तो ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, एंड बोथ ए एंड सी. तो बताइए क्या ये सही है. तो देखिए, बोथ ए एंड बी इज राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही होगा, बाकी के तीन नहीं है. ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट ओन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया. तो ये जो है एनटीपीसी, ये रेलवे वाला मत समझ लेना, वो नॉन टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल नहीं है. ठीक है, ये याद रखिएगा. एनटीपीसी कोर बिजनेस इज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट. ठीक है, तो एनटीपीसी का जो कोर बिजनेस है वो क्या है, वो इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, पावर जनरेशन है, ये याद रखिएगा. ठीक है, तो इसको, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नॉन टेक्निकल नहीं है रेलवे वाला, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. और ये जो बात करें कब आई इफेक्ट में, तो ये आई 28 अक्टूबर 2005 को. ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा. चलिए फिर आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. 71 रहा ये, विच इंडियन कंपनी सिक्योर्ड द लार्जेस्ट सिक्योर्ड द हाईएस्ट एक्सपोर्ट रिवेन्यू फ्रॉम आईटी सॉफ्टवेयर एंड सर्विस ड्यूरिंग द पास्ट टू ईयर. तो किस भारतीय कंपनी ने पिछले 2 वर्षों के दौरान आईटी सॉफ्टवेयर सेवा में सर्वाधिक निर्यात लिया है. तो देखिए, इसका सही जवाब टीसीएस है. आंख बंद करके तुम इस पे दे सकते हो, हमेशा से यही आगे रहती है. टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो टाटा ग्रुप है रतन टाटा जी का, ये उसी की कंपनी है. वाइज भी एसएससी का एग्जाम भी इस समय टाटा करा रही है, और बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं बैंकिंग वगैरह के वो भी टाटा कराती है. अगर मैं मैनेजमेंट एग्जाम्स की बात करूं लाइक कैट मैट, तो वो भी हमारी टीसीएस ही करा रही है. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. इसमें आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो. 72 पे आ जाते हैं, ये रहा 72, पढ़ना थोड़ा ध्यान से. तो मैच द इंडियन फॉरेन कंपनीज एज जॉइंट वेंचर इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. इंडियन कंपनी हो गई आपकी टाटा, आईसीआईसीआई, बजाज एंड एचडीएफसी, और इसका मैच करना है एआईजी, स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और आलियांस.
तो जीवन और बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों के रूप में भारतीय और विदेशी कंपनियों का मिलान करें। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पहला 1342, ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। और जो आईसीआईसीआई है ये प्रूडेंशियल के साथ है, जो अगर मैं टाटा की बात करूं तो ये एआईजी के साथ थी, ठीक है, और बाकी के ऑप्शन आपके सामने है, आप इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से पढ़ा करो, बिकॉज होता क्या है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है हमें पढ़ने में और ऑप्शन गलत हो जाते हैं आते हुए भी। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल लोन, ठीक है। तो औद्योगिक ऋण के लिए शीर्ष बैंकों में निम्नलिखित में से कौन सा है, आरबीआई, नाबार्ड, आईसीआईसीआई या आईडीबीआई। तो आरबीआई का तो देखो सवाल ही नहीं उठता, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नाबार्ड और आईसीआई, तो नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए जाता है और आईसीआई देता है, लेकिन अगर मैं वैसे मैं बात करूं तो सर आईडीबीआई इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। और बात करी जाए आईडीबीआई की, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है और उसी सेक्टर पे ये काम करता है। फिलहाल आईडीबीआई को एलआईसी ने खरीद लिया है 51% शेयर के साथ, और अब ये प्राइवेट एंटिटी बन चुका है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 74 पे आते हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन को और हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, तो मुद्रा आपूर्ति का निर्धारण, कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डिटेल डेटा रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के संबंध में विस्तृत आंकड़ों का संग्रह, या प्राइस डिटर्मिनेशन जिसे हम बोलते हैं मूल्य निर्धारण। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब है इसका 2, कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों को पता लगाना, तुम इसके नाम से भी पता लगा सकते हो, स्टैटिस्टिकल दिया गया है तो कहीं ना कहीं डेटा रिलेटेड चीजें ही होंगी यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, 75 को डिस्कस करते हैं। 75 रहा आपके सामने, ये प्लानिंग एंड कंट्रोल आर सो रिलेटेड दैट, तो नियोजन और नियंत्रण इतने संबंधित हैं कि प्लानिंग इनिशिएट कंट्रोल, नियोजन नियंत्रण आरंभ करता है, कंट्रोल इनिशिएट प्लानिंग, नियंत्रण योजना की शुरुआत करता है, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों बराबर है, और बोथ गो साइमल्टेनियसली इन साइकिल, तो दोनों चक्र में एक साथ चलते हैं साइमल्टेनियसली। तो देखिए इसका सही जवाब चौथा है, बोथ गो साइमल्टेनियसली इन साइकिल। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल आर टू बेसिक एंड इंटर रिलेटेड मैनेजरियल फंक्शन, दे आर सो इंटर रिलेटेड दे कैन बी ऑफन आर कंसिडर्ड एज बीइंग वन फंक्शन। देखिए किसी भी कंपनी की स्टार्ट करनी हो, किसी भी स्कीम की शुरुआत करनी हो, तो सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है, और प्लान करने के बाद हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे, तो आपके लिए उसको कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इस हिसाब से सही जवाब इसका चौथा होगा, बोथ गो साइमल्टेनियसली इन सर्किल। और ये हर जगह होता है, मतलब अगर मैं इसको प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कहीं पे भी कंसीडर करूं तो ये सब जगह होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, टोटल हमने जो क्वेश्चन किए, अब आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चन गलत रहे। अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट।